हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, ये सीबीआर सीरीज हमने स्टार्ट करी है और इसमें जो सेकंड पार्ट है इस सीरीज का, दैट इज द स्टेक होल्डर्स ऑफ सीबीआर। तो इससे पहले हम ये समझेंगे इन ब्रीफ अबाउट व्हाट इज सीबीआर। तो सीबीआर के लिए डिटेल्ड इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप पहले उसे जाके देख लो, जिससे यू गेट क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट सीबीआर। यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, इज जस्ट अ जिस्ट ऑफ द वीडियो कि सीबीआर क्या होता है। सो सीबीआर इज द एक्रोनिम फॉर कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। तो सीबीआर की फुल फॉर्म क्या है? सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी, बी माने बेस्ड, एंड आर इज रिहैबिलिटेशन। तो ये एक स्ट्रैटर्जी बेस्ड टेक्निक होती है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक पूरी स्ट्रैटर्जी होती है, जो कि किस लिए होती है? डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, ठीक है। जैसे डिसेबल्ड पर्सन के रिहैबिलिटेशन के लिए, उनको इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, उनका आम लोगों के साथ, जो नॉर्मल पीपल हैं उनके साथ अच्छे से सोशली इंटीग्रेट करने के लिए हम सीबीआर यूज़ करते हैं। तो सीबीआर के मेन तीन गोल्स क्या हैं? एक तो डिसेबल्ड पर्सन को रिहैबिलिटेट करना, उनको बिल्कुल बराबरी की अपॉर्चुनिटीज़ देना जो बाकी जनता को मिलती हैं, बाकी लोगों को मिलती हैं, और उनको साथ सोशल इंटीग्रेशन कराना, किन के साथ? जो नॉर्मल पीपल हैं, ठीक है। अब बच्चों, ये वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। सो सीबीआर इज अ स्ट्रैटेजी विद इन जनरल कम्युनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन, इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, पॉवर्टी रिडक्शन, एंड सोशल इंक्लूजन ऑफ ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज। इतना अभी हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं इसमें? सीबीआर इज इंप्लीमेंटेड थ्रू द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज देमसेल्व्स, देयर फैमिलीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज, एंड द रेलिवेंट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट हेल्थ, एजुकेशन, वोकेशनल, सोशल एंड अदर सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो सीबीआर है उसके अंदर सारे लो लेवल से लेके जो हाईएस्ट लेवल है, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे। गवर्नमेंट भी, प्राइवेट सेक्टर भी, कम्युनिटीज़ भी, सोसाइटीज़ भी, यहाँ तक कि जो डिसेबल्ड पर्सन है खुद, वो भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है इस रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर, इस सीबीआर प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये जो डेफिनेशन है, ये हमें कहाँ से मिली है? WHO, यूनेस्को एंड ILO इन 2004। तो बच्चों, अब ये बात कर ली हमने ब्रीफ अबाउट सीबीआर, इसके प्रिंसिपल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स आपको सब इंट्रोडक्टरी वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में हम जो स्पेसिफिकली बात करेंगे, दैट इज़ द स्टेक होल्डर्स ऑफ सीबीआर। स्टेक होल्डर्स का मतलब हुआ कि जो सीबीआर होता है उसके अंदर टीम में क्या क्या होता है, कौन कौन उसके अंदर मेंबर्स होते हैं। तो आठ मेन, दैट इज देयर आर एट मेन स्टेक होल्डर्स। कौन कौन से? सबसे पहला तो डिसेबल्ड पर्सन खुद है, दूसरा उसकी फैमिली, तीसरा कम्युनिटी, फोर्थ इज रिहैबिलिटेशनल प्रोफेशनल्स, फिफ्थ इज कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, सिक्स वॉलेंटियर्स, सातवां गवर्नमेंट एजेंसी या NGOs, और एट्थ इज एम्प्लॉयज। तो बच्चों, जो डिसेबल्ड पर्सन होता है, दैट इज द पर्सन हु इज हैविंग अ डिसेबिलिटी, वो खुद भी ना एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम उसके ऊपर सर्विसेज थोप देंगे कि भाई तुम्हें ये सर्विसेज मिली हैं। वो भी एक्टिवली खुद पार्टिसिपेट करता है, वो खुद बताएगा ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तभी तो उन पे काम होगा। और जो वो सर्विसेज बोलेगा या फिर जिनमें भी वो पार्टिसिपेट करेगा, वो उसी के लिए हैं, उसी की भलाई के लिए हैं। सो PWD, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, इज इन्वॉल्व इन ऑल द प्रोसेस ऑफ सीबीआर। सो बच्चों, सीबीआर जो होता है ना, उसके अंदर अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देयर इज अ फुल मैनेजमेंट साइकिल इन सीबीआर, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हर जो वो साइकिल है, उसके हर प्रोसेस में डिसेबल्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है। दी क्यों? क्योंकि ये ना एक इफेक्टिव रोल मॉडल का भी रोल कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं, ठीक है। सो गोल इज टू रिहैबिलिटेट, एजुकेट एंड एम्पावर द PWDs। अब इसकी जो फैमिली ऑफ डिसेबल्ड है, ये भी स्टेक होल्डर होती है इन दी सीबीआर। सो अप टू 90% ऑफ ऑल द पर्सनल असिस्टेंस ऑफ द डिसेबल्ड कम्स फ्रॉम फैमिली मेंबर्स एंड केयर गिवर्स एंड नॉट फ्रॉम फॉर्मल प्रोग्राम्स। यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन को 90% तक जो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो कौन लेता है? उसकी फैमिली। इसलिए फैमिली का भी इस प्रोसेस में भाग लेना, इस प्रोसेस में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
फैमिली मेंबर्स को सीबीआर प्रोग्राम में ट्रेन किया जाता है ताकि वो सिंपल रिहैब सर्विस प्रोवाइड करा सकें डिसेबल्ड पर्सन को, और उनको बोला जाता है कि आप थोड़ा क्रिएटिव होइए, उनको एनकरेज किया जाता है क्रिएटिव होने के लिए ताकि वो सिंपल एड्स वगैरह यूज़ करके, सिंपल चीज़ें यूज़ करके डिसेबल्ड पर्सन जो उनकी फैमिली में है उनको एनेबल कर सकें। तीसरा आता है बच्चों कम्युनिटी। तो सीबीआर जो होता है इट प्रमोट्स द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ, यानी कि एक सोसाइटी की, एक कम्युनिटी की जो हेल्थ की जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की या फिर एक सिर्फ डिसेबल्ड पर्सन और उसकी फैमिली की नहीं है। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसमें सबकी हेल्प चाहिए, पूरी कम्युनिटी की हमें हेल्प चाहिए। सो कम्युनिटीज आर एनकरेज टू टेक ओनरशिप ऑफ सीबीआर प्रोग्राम। रिहैब सर्विसेज आर प्रोवाइडेड और मैनेज बाई स्पेशली ट्रेन वॉलेंटियर्स एंड वर्कर्स फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी। सो लोकल पीपल लाइक फैमिलीज ऑफ डिसेबल्ड एंड मेम्बर्स ऑफ कम्युनिटी हु नो द लाई ऑफ हैंड लैंड इट्स इकनॉमी एंड लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर इन द बेस्ट पोजिशन टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि लोकल पर्सन, अब मैं आपको बोलूँ कि भाई आपको जाके ना जम्मू के अंदर काम कराना है तो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बट जो इंडिविजुअल जम्मू में ही रह रहा है वहाँ पर तो उसे पता है ना कि यहाँ पर क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, यहाँ क्या मिलता है। फिर मैं आपको बोलूं कि भाई आप राजस्थान में जाके काम करके आओ तो आपको नहीं पता क्योंकि आपके लिए वो बिल्कुल नई जगह है। बट जो राजस्थान में रह रहा है इंडिविजुअल उसको तो पता है, तो यहाँ पे ये वही चीज़ बोली गई है। चौथा है वॉलेंटियर। अब देखो बच्चों, वॉलेंटियरिंग हम सबको पता है कि हम खुद की मर्जी से कोई काम कर रहे हैं जो भी सोसाइटी को हेल्प कर रहा है, दैट इज़ वॉलेंटियरिंग, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जो इंडिविजुअल काम करता है उसे कहते हैं वॉलेंटियर। इसमें पुअर, सिक, डिसेबल्ड या नीडी की हम हेल्प करते हैं। सो दे कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक, सोशो, कल्चरल एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स इन एनी सीबीआर प्रोग्राम। पांचवा है बच्चों कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। सो द नीड ऑफ मोस्ट पीडब्ल्यूडीज कैन बी मेट थ्रू प्रोग्राम दैट यूज अप्रोप्रिएट ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स। तो बच्चों इस प्रोग्राम को चलाने के लिए ना हमें प्रोफेशनल्स एज वेल एज नॉन प्रोफेशनल्स दोनों की ज़रूरत पड़ती है। प्रोफेशनल्स में कौन कौन आ जाते हैं? मेडिकल टीम, बायो इंजीनियर्स एक्सेट्रा। नॉन प्रोफेशनल में क्या कौन कौन आते हैं? कोई भी आ सकता है, ठीक है, जो किसी भी तरीके से नॉन टेक्निकली सीबीआर प्रोग्राम में हेल्प करता है, एनकरेज कर सकता है। इसके अंदर हमारे डिसेबल्ड पर्सन भी आ सकते हैं, ठीक है, जो अच्छे लेवल, अच्छी पोजीशन पे हो, ठीक है, जिन्होंने जो कैन हु कैन मोटिवेट अदर डिसेबल्ड पर्सन कि देखो मैं कर सकता हूँ तो तुम भी मेरे साथ आके कर सकते हो, मेरी जगह आके कर सकते हो। सिक्स्थ इज द रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल। सो दे एक्ट एज एजेंट्स ऑफ चेंज बाय ट्रांसफरिंग बेसिक स्किल्स एंड नॉलेज इन द मैनेजमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट ग्रुप एफर्ट। ये स्पेशली एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, किसके लिए? ताकि ये जो कम्युनिटी प्रोग्राम रन कर रहे हैं हम रिहैबिलिटेशन का, उसमें ये लोग योगदान देते हैं। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, तो इनके पास एक प्रॉपर डिग्री होती है टू रिहैबिलिटेट द पर्सन, टू रिहैबिलिटेट द डिसेबल्ड पर्सन। तो ये क्या करते हैं? दे इम्पार्ट ट्रेनिंग, दे सॉल्व प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेस द सेटअप एंड डिसमिस्टिफाइज द रिहैबिलिटेशन कंसेप्ट। सातवां है बच्चों गवर्नमेंट एजेंसी एंड एनजीओ। तो इसमें क्या होगा? देयर मेजर रोल इज़ टू प्रोवाइड पब्लिक अवेयरनेस एंड हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम। अब जो कम्युनिटी कम्युनिटी में इतना सारा सीबीआर का काम चल रहा है उसके लिए हमें फंडिंग भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, उसका प्रमोशन भी करवाना है, हमें पब्लिक अवेयरनेस भी करानी है बाकी कम्युनिटीज़ के अंदर, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट एंड एनजीओ पॉलिसीज़ हेल्प करती हैं। This helps to enhance the understanding of disability issue and disability prevention in the general population. तो एक बच्चा होता है CSR, that is corporate social responsibility. तो इसमें जो भी profitable companies या industry होती है ना वो अपना कुछ हिस्सा profit का इन सब चीज़ों के लिए देती हैं। So it is their duty. इसको हम क्या कहते हैं? Corporate social responsibility. तो ये उनकी एक social responsibility है corporate sector की कि उन्हें कुछ percentage of अपना profit यहाँ पे देना होता है। Next is the employees. So in terms of disability identification and management, it is important to link CBR to vocational rehab initiatives. It helps reintegration of PWDs into their community and their complete participation in the social and economic activities of daily living.
अब बच्चों आपने टर्म सुनी होगी वोकेशनल ट्रेनिंग, तो वोकेशनल ट्रेनिंग हम देते हैं डिसेबल्ड के लिए, जिसके थ्रू क्या होता है, वो अपने आप को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी फिर हम काम करते हैं। अदर मेंबर्स आर लोकली अवेलेबल स्किल्ड वर्कर्स, एग्जाम्पल कारपेंटर, लोकल लीडर्स, स्कूल टीचर्स, मल्टीपर्पज रिहेबिलिटेशन वर्कर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर स्टाफ। तो ये टेक्निकली बच्चों सारा कौन है, नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है, जो कि नॉन प्रोफेशनली इनडायरेक्टली CBR प्रोग्राम में अपना योगदान दे रहे हैं। तो बच्चों इस वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट दी स्टेक होल्डर्स या फिर मेंबर्स जो कि CBR प्रोग्राम में होते हैं। तो जब भी इस स्टेक होल्डर्स आएगा तो आप इन सब के बारे में